क्या टॉपिक है कि इज इट ईजियर टू पुल और पुश, ये पेपर में आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें. इट इज ईजियर टू पुल और पुश. सपोज ये आपके पास एक रोलर है जिसको आपने रोल करवाना है. पहला केस इस डायग्राम में, मैं इसे क्या कर रहा हूं, पुल, मैं खींच रहा हूं, यहां लिख लें पुल, याद रहेगा. इसके आगे डायग्राम क्या क्या लिख रहे हैं, ये पुल का डायग्राम है, ठीक है. और ऐसे ही अगले डायग्राम में मैं इस रोलर को क्या कर रहा हूं, पुश, इसके आगे लिख लें पुश. तो ऊपर वाले डायग्राम के आगे लिखें पुल, दिस इज द केस ऑफ पुल, और नीचे वाले डायग्राम में लिखें पुश. तो जो पेपर में आएगा आपको दोनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं, राइट. तो देखो अगर मैं पुल की बात करता हूं तो मैं फोर्स टेढ़ी लगाऊंगा, हैंडल को टेढ़ा खींचूंगा. आप ब्रीफ केस भी मान लो रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो वो खींचते हो ना ब्रीफ केस, तो किसी एंगल पे खींचते हो, तो आप क्या करते हो, पुल करते हो. तो जब आप पुल कर रहे हो बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ एट एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस. फोर्स के दो कॉम्पोनेंट हैं, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, वेट रोलर का नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ठीक है. जब रोलर आगे जाएगा तो स्टैटिक तो रहेगा नहीं, मूव करवाना है, तो कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक. ये भी क्लियर है. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बॉडी का, तो ऊपर की फोर्स क्या है, आर, ऊपर की एक और फोर्स है एफ साइन थीटा, नीचे की फोर्स क्या है, डब्ल्यू. तो मुझे पता है कि ऊपर की फोर्स इज आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, डब्ल्यू, राइट. तो ऊपर की फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेज, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा. तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन. तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन की जगह डब्ल्यू माइनस एफ इन टू साइन ऑफ थीटा. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने कैलकुलेट कर दी, ये स्टेप क्लियर है. तो पहले आपने क्या निकाला, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को म्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्या ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्या स्टेप क्लियर है, ठीक है. नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर है, एफ साइन थीटा भी ऊपर है, और ये कौन बैलेंस कर रहा है, वेट डब्ल्यू. तो आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो आर की वैल्यू आ गई. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में आर को पुट किया तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया यहां तक. अब हम सेम केस करते हैं पुश. ये फोर्स लगी, पूरा फोर्स फैक्टर है, देखो नीचे की तरफ पूरा फोर्स फैक्टर है एट एन एंगल ऑफ अगेन थीटा विद एक्स एक्सिस. ये रहा ये थीटा, तो ये भी थीटा. फिर से फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा, वेट बॉडी का नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर. डायग्राम क्लियर है फोर्स का. अब अगर मैं पूछूं नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो ऊपर का रिएक्शन आर डैश है, इसके ऑपोजिट नीचे की ये फोर्स है और नीचे की ये फोर्स है, तो आर डैश की वैल्यू क्या आएगी, एफ इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस कितना, डब्ल्यू. क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो आर डैश की वैल्यू आएगी एफ साइन थीटा प्लस डब्ल्यू. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी इसमें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन. तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एफ साइन थीटा प्लस डब्ल्यू. क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक. जब मैंने इसे पुल किया था तो जो ऊपर फ्रिक्शन आई थी वो कम आई थी, माइनस साइन आ रहा था, और जब मैं इसे पुश कर रहा हूं तो आपके सामने ही है, मैं इसे पुश कर रहा हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा आ गई, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, उसमें माइनस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है. तो किसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, पुश करने में ज्यादा है, पुश करने में प्लस साइन आ रहा है, पुल में कम है, तो पुल करना ज्यादा आसान है क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है. तो समझ में आ रहा है क्या लिखना है, तो जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी उसको पुल करना ईजी है. तो आपने कुछ नहीं करना, पुल के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है, पुश के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है. पुल के अंदर कुछ आंसर जो आएगा वो माइनस साइन के साथ आएगा फ्रिक्शन का, जैसे यहाँ पर आया, ये देखो माइनस साइन के साथ आया, पुल में प्लस के साथ आएगा. पुल में क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है, पुल करना मुश्किल है, पुश करना आसान है. तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, जब ये प्रूफ करने को आएगा तो ये अपने दोनों केस बना के आपने प्रूफ करना मैथमेटिकली. क्या ये स्टेप क्लियर है,